हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ, उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर आ गया हूँ। और पेन पेंसिल लीजिएगा, बुक नोटबुक लीजिएगा और बेटा बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। आप सबको पता है हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 4 है द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। पौधों की दुनिया पढ़ रहे हैं ना? कौन किसका वर्ल्ड पढ़ रहे हैं? संसार पढ़ रहे हैं, पौधों का संसार, पौधों की दुनिया पढ़ रहे हैं। जो बेटा प्रीवियस क्लास थी, उस प्रीवियस क्लास में आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रूट के बारे में पढ़ा था ना। मैंने आपको डायग्राम बना करके ही बताया था, कि रूट्स क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, उसका काम क्या होता है। आज बेटा शुरू करना है STEM, स्टेम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्टेम आज पढ़ना है। हिंदी अर्थ होता है तना। हिंदी अर्थ क्या होता है स्टेम का? तना होता है हिंदी अर्थ। स्टेम का हिंदी अर्थ क्या होता है? तना होता है। कौन सा होता बेटा पौधे का भाग? हाँ, तो पौधे का ये कौन सा वाला भाग होता है? ये देखो, ये सपोज करो प्लांट होता है, ये तो नीचे जड़ें होती हैं, इसका बारे में हमने कल पढ़ा था ना। जड़ों के ऊपर पौधे में क्या होता है? ये बेटा होता है ये वाला भाग, ये तो पौधे की जड़ें होती हैं। फिर ये वाला पार्ट जो होता है इसको बेटा स्टेम कहते हैं। आपने नीम का पौधा देखा होगा, आपने खेजरी का पौधा देखा होगा, खेजरी का, बबूल का देखा होगा। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको बेटा स्टेम कहते हैं, इसको स्टेम कहते हैं। फिर इसके ऊपर ऐसे शाखाएं निकलती है, शाखाएं निकलती है ना, हाँ? ऐसे उसके ऊपर क्या निकलती है? तो उसके ऊपर शाखाएं निकलती हैं, आपको भी, आपने भी देखा होगा, हाँ? ऐसे क्या निकलती है? उसके ऊपर शाखाएं निकलती है, हाँ? इस प्रकार ये पौधा लगा, पौधा होता है और इस पौधे की ऐसे ब्रांचेज रहती है ना, शाखाएं, हाँ? फिर क्या होता बेटा, इस पर पत्तियां लगी रहती है ना, ग्रीन ग्रीन कलर की, बहुत सारी लीव्स रहती है। तो हमारे को इसके बारे में भी पढ़ना है और लीव्स के बारे में भी पढ़ना है। किस किस के बारे में पढ़ना? एक तो लीव्स के बारे में पढ़ना है और एक स्टेम के बारे में पढ़ना। तो ये तो हो गया स्टेम, मैंने कहा है इसके बारे में पढ़ना है। अब देखो बेटा, इसका एक तो काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है? देखो, कल मैंने कहा था कि आप पानी पौधे को यहां डालते हो, पानी जमीन में सोख जाता है, ये जड़ें उस पानी को सोखती है और पानी को ऊपर भेजती है। तो ऊपर भेजेगी तो कैसे भेजेगी? ऊपर किसके जाएगा? इसके अंदर से होकर ही तो पानी ऊपर जाएगा ना। पानी ऊपर जाएगा कैसे? अब यहां तक पानी भेजना है, क्योंकि ये भी तो पौधे का पार्ट है, ये भी पौधे का भाग है। हम देखो खाना खाते हैं, हमारे शरीर की बात करता हूं, हम खाना खाते हैं तो खाना यहां से खाते, तो खाना कहां जाता है? नीचे जाता है ना। ऐसा थोड़ी खाना खाते हैं ऊपर भी जाता है, ऊपर नहीं जाता है। हम जब खाना खाते हैं तो खाना कहां जाएगा? यहां से खाना खाते हैं तो यहां से होकर खाना नीचे जाएगा और यहां तक बस है, उधर बाकी थोड़ी, ऐसा थोड़ी है कि यहां भी खाना आएगा। हम खाना खाओगे, खाना ऐसे थोड़ी यहां से खाना खाते हैं, फिर आधा खाना इधर आएगा, आधा खाना खाया इधर आएगा, आधा खाना यहां से ऊपर जाएगा, हाँ, आधा खाना हमारे पैर तक पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता है। हम खाना खाते हैं वो यहां तक स्टोर होता है और यहां स्टोर होने के बाद में उसका पाचन होता है यहीं पर, और वहीं पर पाचन होता है, यहां से पाचन होकर वो खाना हमारे ब्लड में चला जाता, हमारे खून में चला जाता है। खून होता है, फिर हमारा शरीर में खून किस में बहता है? नलिकाओं में बहता है ना, जिसे हम नसें कहते हैं, उसमें नलिकाओं में ब्लड बहता है। और खून तो हमारे शरीर के सब भाग में होता है, या अंगुली में भी अगर चोट लग जाती है तो खून आता है। तो यहाँ यानी यहाँ पर भी ब्लड है शरीर में, तो यहाँ ब्लड है तो उस ब्लड से यहाँ भी खाना आ गया। सिर में चोट लगती है वहां खून आने लग जाता, तो खून से वहां पर भी खाना पहुंच गया। पैर में नीचे अंगूठे में चोट लगती है वहां भी खून आने लग जाता है, तो वहां भी खून है। इसका मतलब वहां भी खाना कहां कैसे पहुंचा? उस ब्लड से पहुंचा, उस खून से पहुंचा। उसी प्रकार ये जो खाना है इतना, ये जो जड़ों से पानी आता है ऊपर, ये पानी ऊपर कैसे जाएगा? यहाँ पर भी इनकी, हमारे जिस प्रकार नसें होती है शरीर में, ब्लड वेसल्स होती है, उसी प्रकार इसमें भी नलिकाएं होती है, और वो नलिकाएं यहां जाकर के यहां तक पहुंच जाती है। आपने कभी पीपल का पत्ता देखा होगा, नीम का पत्ता देखा होगा,
पीपल का पत्ता कभी देखा है उस नीम के पीपल के पत्ते को उल्टा करके देखना। जब उल्टा करके देखोगे ना, सपोज करो ये देखो ये नीम का पत्ता है, जब आप उसको उल्टा करके देखोगे तो आपको ऐसी धाराएं देखने को मिलती है कि नहीं मिलती बताओ। धाराएं देखने को मिलती है ना बेटा, उस धाराओं से ही क्या जाता है, उस धाराओं से ही पानी जाता है, ठीक है ना। तो बात समझ में आई ना कैसे जाता है, जो जड़ों के द्वारा पानी सोखा जाता है वो पानी कैसे जाता है। यहां से होकर के इसमें नलिकाएं होती है और इन नलिकाओं से होकर के ऐसे पौधे के सभी भागों में पहुंच जाता है ऐसे ऐसे। तो स्टेम का काम क्या हो गया, यानी जो जड़ें द्वारा जो पानी सोखा जाता है उस पानी को ऊपर भेजना, ये काम हो गया। पौधे को सीधा खड़ा रखना, ये स्टेम होता है तभी बेटा पौधा सीधा खड़ा रहता है। अगर सपोज करो पौधे का स्टेम ऐसा होगा तो पौधा सीधा खड़ा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। एक और काम क्या हो गया स्टेम का, कि प्लांट को इरेक्ट स्टैंड करती है, सीधा खड़ा करती है। पौधे को सीधा खड़ा कौन करता है, स्टेम करता है। उसके अलावा ये देखो ये सारी ब्रांचेज होती है, पेड़ की शाखाएं होती है, और पेड़ की शाखाएं हो गया, फ्लावर हो गया, हाँ, लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, ये सारे बेटा इस पर ही तो रहते हैं ना। तो ये इतना सारा काम होता है स्टेम का। देखो ब्रांचेज लीव्स बुक में देखना 26 पेज नंबर पर, ब्रांचेज लीव्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन द स्टेम, शाखाएं पत्तियां फूल और फल वो स्टेम पर वृद्धि करते हैं। कहां पर वृद्धि करते हैं, तने पर वृद्धि करते हैं। द स्टेम प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, ये स्टेम पौधे को सहारा देता है, पौधे को सहारा देता, पौधे को सपोर्ट देता, ये होता है तभी पौधा सीधा खड़ा रहता है, तभी सपोर्ट देता, नहीं तो नहीं देता है। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। अभी मैंने कहा था कि यह क्या करता है, यह जड़ों से जो जल और खनिज लवण आता है उसको ऊपर भेजता है। मैंने अभी कहा था ना, जो जड़ों के द्वारा पानी सोखा जाता है, पानी का अवशोषण किया जाता है, उसको ऊपर भेजता है, यानी ट्रांसपोर्ट करता है पौधे के अन्य भागों में, पौधे के दूसरे भागों में, पौधे के अन्य भागों में पानी को और ट्रांसपोर्ट करता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। उसके बाद में क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में, इन लीव्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसका काम क्या होता है। बेटा लीफ होती है ना, इसका काम होता है खाना बनाना, इसका काम क्या होता है, पौधों में खाना बनाने का काम होता है। हमारे घर में हमारी मम्मी जी का काम होता है खाना बनाना, उसी प्रकार पौधे में ये जो लीव्स होती है ये खाना बनाती है। अब ये खाना बनाती है, अब ये खाना यहाँ बनाती है, अब खाना तो इसको भी चाहिए ना, इनको भी खाना चाहिए, तो ये बेटा यहाँ से यहाँ कौन लेके आएगा। आपके घर में आपके मम्मी जी खाना बनाते हैं, जब आपके मम्मी जी खाना बनाते हैं तो आपके दादाजी को खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो आपके मम्मी जी खाना बनाते हैं, उस खाने को आपके दादाजी तक लेकर कौन जाता है, आप लेकर जाते होंगे। उसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ खाना कौन बनाती है, पत्तियां खाना बनाती है ना, जो पौधे की लीव्स होती है, पौधे की पत्तियां होती है, वो खाना बनाती है। और इस खाने को यहां तक कौन लेके आता है, यहां पर इसमें नलिकाएं होती है और उस नलिकाओं से ये खाना यहां तक आता है। समझ में आ गया ना। तो इसके अंदर दोनों सिस्टम होता है, पहले तो ऊपर जाता है वापस नीचे भी आता है। पहले तो जो पानी होता है जड़ों के द्वारा सोखा गया वो पानी ऊपर जाता है, फिर यहां पत्तियां खाना बनाती है और वो खाना नीचे आता है। बातें समझ में आ गई ना सारी, कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको स्टेम, पढ़ा रहा हूं स्टेम का कार्य पढ़ा रहा हूं। यानी ये एक और काम होता है कि ये तना होता है वो पत्ती के द्वारा बनाया गया जो भोजन होता है, स्टेम पत्ती के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में, अन्य सभी भागों में क्या करता है, अन्य सभी भागों में भेजता है। तो ये एक और फंक्शन हो गया एक स्टेम का। फिर लिखा हुआ है सम प्लांट आर सॉफ्ट एंड सम आर हार्ड। हमने पढ़ा था पीछे कि कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो तो बेटा कोमल होते हैं, कोमल यानी अगर आप हाथ से उसको मोड़ोगे तो टूट जाएगा। जैसे आपके घर पर मनी प्लांट, आपके घर पर कोई बेल होगी ना, बेल मनी प्लांट की बेल होगी, मनी प्लांट का पौधा होगा आपके घर पर, बेटा उसको आपको हाथ से ऐसे करोगे तो टूट जाएगा ना, बिल्कुल टूट जाएगा। लेकिन आपके घर के बाहर नीम का पेड़ होगा, उस नीम के पेड़ का स्टेम है, उस स्टेम को क्या आप ऐसे मोड़ सकते हो, क्या नहीं मोड़ सकते हो।
यानी कुछ पौधों का तो तना सॉफ्ट होता है और कुछ का कठोर होता है। ए स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड स्टेम ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। जिस पौधे का तना एक मजबूत होता है और हार्ड कठोर होता है उसको ट्रंक कहते हैं। एक ऐसा पौधा जिसका तना हार्ड होता है, हार्ड किसका होता है, जैसे बेटा नीम का पौधा होता है, नीम का पौधा होता है ना, नीम का पौधा होता है, उस नीम के पौधे का स्टेम कैसा होता है, हार्ड होता है, हार्ड होता है और मजबूत भी होता है। जो चीज हार्ड होती है वो मजबूत होती है, बिल्कुल यही बात है। तो नीम के पौधे का जो स्टेम होता है ना, उस स्टेम को क्या कहते हैं, TRUNK, ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रंक। हिंदी में कहते हैं बेटा मोटा तना। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मोटा तना। जो ट्रंक होता है वो, यानी जिस पौधे का स्टेम होता है वो हार्ड और स्ट्रांग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रंक कहते हैं। और ट्रंक का मतलब क्या होता है, तो ट्रंक का मतलब मोटा तना होता है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, तो हमने ट्रंक के बारे में पढ़ा, ट्रंक क्या, स्टेम पढ़ा है। जो कल की क्लास थी उसमें हमने रूट पूरा पढ़ा था, आज की क्लास में हमने स्टेम पूरा पढ़ा कि कैसा होता है, क्या नहीं होता है, क्या उसका काम होता है, क्या उसका काम नहीं होता है, सारी चीजें पढ़ ली ना। एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं, यानी जो स्टेम होता पौधे का, और वो सबसे पहली बात तो ब्रांच लीव्स फ्रूट्स और फ्लावर्स को ग्रो करवाता है, उसके बाद में यह प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, स्टेम प्लांट को सहारा देता है, उसके बाद में रूट्स के द्वारा वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए हुए होते हैं उसको प्लांट के वेरियस पार्ट में पहुंचाता है, उसके अलावा लीफ के द्वारा बनाया गया जो भोजन होता है उस भोजन को पौधे के प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचाता है। फिर पढ़ा था कि कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और कुछ होते हैं वो हार्ड होते हैं, जिसका स्टेम हार्ड और स्ट्रांग होता है उसको ट्रंक कहा जाता है, ठीक है ना। फिर देखो नीचे लेट्स आंसर लिखा हुआ है, जो कि मैंने कल की क्लास में करवा दिया था ना, कि इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से होते हैं प्लांट के, वो करवा दिया है। तो आज का होमवर्क वो आपके लिए होगा, कीवर्ड्स होगा। कीवर्ड्स में एक पहला कीवर्ड्स तो है बेटा बसी प्लांट का मींस होता है झाड़ीदार पौधे, बसी प्लांट का मींस झाड़ीदार पौधे। दूसरा लिखा हुआ है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या होता है, जब हम कल की क्लास में लीफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कल लीफ पढ़ेंगे, जब हम कल की क्लास में लीफ के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि क्या होता है क्लोरोफिल क्या होता है। तो होमवर्क आपको करना है और ये होमवर्क कीवर्ड्स आपको कर लेना है, बाकी लीव्स बेटा कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं, कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।